हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से मेडिसिन प्लांट्स चैनल इंडिया पे आज हम लोग औषधीय वनस्पति गुनील केतकी के बारे में जानकारी लेते हैं। ये इसको दोना के बारे में भी बोलते हैं, रामबान भी बोला जाता है कहीं के क्षेत्रों में, कंटाला या मोहलाम भी बोलते हैं, है ना। तो बहुत ही दिव्य औषधि है मित्रों। अब इसके बारे में मैं दिव्य वर्णन कर दे रहा हूँ। देखिए, इसके बारे में मैं पहले पहचान करा दे रहा हूँ। ये इसकी पत्तियाँ हैं, है ना, बहुत ही गुल्म, बड़े बड़े पत्तियाँ इसकी होती हैं, है ना। और ये लता है, जैसे वृक्ष जैसा दिख रही हैं, ये लता है ना। ये पत्तियाँ बहुत गुल्म बड़े होती हैं और अग्र भागों में थोड़ा तीक्ष्ण, तो थोड़ा सा कटे हुए होते हैं, खंडित होते हैं। ये देखिए, ये जैसे ये भाग में जैसे दिख रहा है, अगर ये पत्तियाँ इस तना से ऐसे निकले, है ना, तो यहाँ से आए तो ए भाग ऐसे, फिर लेकिन आगे वाला भाग में तीक्ष्ण हल्का सा, मतलब एक कट के अपने आप से, है ना, अलग दो भागों में बढ़ जाता है, तो इसको मोहलान बोलते हैं। और पृष्ठ भागों में इसके जो होते हैं हल्के से रोमस रेशम होते हैं, रोए जैसे इसके पत्तियों में भी होते हैं किनारे किनारे। तो और भी मैं इसके बारे में, और ये देखिए कोपला, इसके कोपले पत्तियाँ होती हैं, है ना, ये ही लता साई हुई हैं ये, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में मैं वर्णन कर दे रहा हूँ। इसको इसको मित्रों मोहलाम बोलते हैं, है ना। और इसके जो क्षेत्रीय भाषा में और कंटाला भी बोलते हैं, संस्कृत में गुनील केतकी बोलते हैं, है ना, और रामबान भी बोलते हैं कहीं कहीं। और इसके बारे में और मैं इसके लता को दिखा दे रहा हूँ ताकि उसमें पहचान पूरी तरह से कर लीजिएगा, है ना। तो ये देखिए, ये जो है ये रेशेदार रहते हैं इसके लता, है ना, ये लता है, पूरा वृक्ष नहीं है, लता होता है, लेकिन इसको इसमें खासियत होती है कि हमेशा मजबूती के साथ बना रहता है, जल्दी पत्तियाँ भी नहीं सड़ती हैं। ये देखिए, है ना, ये है ना, पत्तियाँ हैं पूरे, और ये लता होती है, लता की जैसे, है ना, बड़े, ये देखिए पूरा वृक्ष नहीं है, है ना, ये जो लता दिख रही है आपको, इसी प्रकार से इसी की लता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ाते चले जाएगा, है ना, सामने भी दिख रहा है कह करके, है ना। तो आज के विषय में जो हमारा है मित्रों वो है मोहलाम, है ना। अब मोहलाम जैसे बहुत ही दिव्य औषधि है, तो इसके बारे में मैं जो वर्णन कर रहा था, तो इसकी खासियत यह है कि सबसे बड़ी है कि इसको कंटाला, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, इसको इसको कंटाला, मोहलाम, गुनील केतकी या रामबान भी बोलते हैं कहीं कहीं क्षेत्रों में। अब देखिए इसका दिव्य वर्णन मैं कर दे रहा हूँ औषधियों गुणों के अनुसार। इसको जो वैज्ञानिक में अगर खोजिएगा वैज्ञानिक भाषा में, तो इसको बोलते हैं एग्यू अमेरिकना, एग्यू अमेरिकना इसको वैज्ञानिक बोलते हैं। और अंग्रेजी में खोजिएगा तो इसको सेंचुरी प्लांट बोलते हैं। सेंचुरी प्लांट इसलिए बोलते हैं कि इसकी पत्तियाँ जो हैं वो बहुत मजबूत होती हैं और टूटती नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसको छतरी, झोपड़ी ऐसे बनाने में प्रयोग करते हैं, है ना। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसका प्रयोग करते थे झोपड़ी ओपड़ी बनाने में, है ना। जलीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। और इसके जो लता होती हैं वो रोमस होती हैं, रोएदार, है ना। तो अब देखिए इसके बारे में औषधि गुण का वर्णन कर दे रहा हूँ। इसका जो प्रयोग किया जाता है औषधियों में वो है जड़ और पत्तियाँ, है ना। ये छालों का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा विष होता है, इसलिए, है ना। तो अब देखिए इसको स्वाद जो होता है इसका मित्रों, ये है कटु स्वाद, इसका कटु टाइप से हल्का तीक्ष्ण और उष्ण रहेगा, मतलब जीभ को छिलने जैसा, है ना। अब इसका जो है जो रसायन पाए जाते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से रसायन जो है एके जेनिन, एगेव, सेपिनिन, सरकरा, जायजोल, इस प्रकार से रसायन पाए जाते हैं, ताकि वो हमारे शरीर में जब बीमारियां घुसती हैं तो उस बीमारियों को दूर करने में प्रयोग होता है ना। तो अब देखिए इसके बारे में जो इसका जो मुख्य रूप से जो इसका गुण है, हर औषधि का अपना गुण और धर्म होता है, तो इस औषधि का गुण धर्म मुख्य रूप से है दर्द निवारक, है ना। लेकिन बहुत सारे औषधियों प्रयोग में भी होता है, क्षेत्र के वैद्य लोग, जानकार लोग, है ना। तो अब देखिए इसके बारे में मैं वर्णन कर दे रहा हूँ मोहलाम के बारे में। ये सोधहर, दर्द सोधहर दर्द निवारक है, और इसका प्रमुख रूप ज़्यादा करते हैं कुष्ठ रोग में, जोड़ों का दर्द में, और मांसपेशियों के जो ऊपर जो होता है वो बाहरी आवरण में, वो मांसपेशियों में पापड़ी निकलना, उस समय प्रयोग करते हैं इसमें।
पापड़ी छोड़ने लगता है, तेलीय त्वचा जैसा हो के, है ना, और नसों का फूलना, गठीला हो जाना या दर्द होना, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। तो आज के विषय में हमारा है मित्रों गुनील केतकी, है ना, रामबान मोहलाम कंटाला, वैज्ञानिक नाम एग्यू अमेरिकना, अंग्रेजी में सेंचुरी प्लांट, है ना मित्रों। इसका प्रयोग जड़ और पत्तियों का ज़्यादा करते हैं, है ना। तो अब इसके बारे में और बता दे रहा हूँ, मांसों के बीच, मांसपेशियों के बीच कहीं अगर गट्ठे बढ़ते हैं अपने आप गोल गोल, अंदरी में, बाहरी आवरण में नहीं, चाहे अंदरियों में, तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं, है ना। तो अब देखिए ये बहुत ही दिव्य औषधि है मित्रों और दर्द निवारक है। तो अगर कहीं भी अगर किसी को जोड़ों का दर्द होता है या मांसपेशियों का दर्द होता है या अपने नसों में गठा होता है, तो इसका दिव्य प्रयोग करते हैं सोतहर, ये दर्दहर दर्द निवारक है, और इसका औषधीय प्रयोग में करते हैं या तेल बनाते हैं घटक बना के, है ना, बहुत सारी चीज़ों में से मिला के, जैसे तिल का तेल, नारियल का तेल, सरसों तेल, अलग अलग चीज़ों में, चाहे भेड़ का घी, है ना, तो अलग अलग चीज़ों में होता है। तो अब देखिए और भी औषधि इसमें मिला के दर्द, इसको दर्द निवारक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आज के विषय में है हमारे मित्रों मोहलाम, है ना, मोहलाम गुनील केतकी रामबान और कंटाला भी इसको बोलते हैं। तो आज के विषय में हमारा था मित्रों गुनील केतकी। अगर हमारे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।